आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर रीवा से है, जहां भीम आर्मी ने रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पिछड़ा आदिवासी वर्ग शामिल है। मध्य प्रदेश में आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है और कुछ लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी संख्या 90% है। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम भोपाल में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री मुलाकात कर उनसे बात की जाएगी। अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो 2023 के चुनाव में वह अपनी ताकत दिखा देंगे। आइए आपको दिखाते हैं रैली और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या चेतावनी दी है। देखिए, भीम आर्मी आज समाज पार्टी के द्वारा 1 जनवरी 2023 से पूरे प्रदेश के अंदर गांव से लेकर राजधानी तक सामाजिक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर तानाशाही की जा रही है, आरक्षण खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो हम उनके विरोध में सरकार को ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर SC ST OBC अल्पसंख्यक की संख्या 90% है। लगभग इस देश के अंदर पूरा SC ST OBC एकजुट हो चुका है और उसी तारतम्य में हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं। तो आज रीवा संभाग का दौरा था, तो आज रीवा के अंदर हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ के जनहितकारी मुद्दे, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ पर जो एट्रोसिटी हुई है, उन चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ पर हमारी बात रखेंगे। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव हम लोग भोपाल की राजधानी में BHL दशहरा मैदान हम लोग लाखों की संख्या में करेंगे, जहाँ पर हमारे भीम आर्मी, आज समाज पार्टी और तमाम SC ST OBC के अल्पसंख्यक के जो संगठन हैं, उनके प्रमुख लोग और वहाँ के लोग मौजूद रहेंगे। और इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश के अंदर जाति जनगणना और जो एट्रोसिटी हो रही है, उन पर लगाम लगाई जाए, महिला उत्पीड़न पर लगाम लगाई जाइए। इन सब मुद्दों को लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि उनको जो लोग गाली दे रहे हैं, उनको अगर उनका साथ प्यारी है तो फिर हम भी वो करते हैं। अगर ऐसा लगता है तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री जी से हम लोग 12 फरवरी को मिलेंगे और वहाँ पर हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर एक चेतावनी देंगे। अगर उससे भी अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर मिशन 2023 के अंदर हम चुनाव में दिखाएंगे कि आज समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर क्या कर सकती है, क्या चुनाव भी लड़ेगी भीमसेना। ये हमारी कोर कमेटी तय करेगी। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी एक लीगल टीम है और हमारी कोर कमेटी है, वो पूरी तय करती है चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। लेकिन अभी तो हम इसी मूड में हैं कि अगर हमारे हक अधिकारों के साथ अन्याय होगा तो हम चुनाव मैदान में उतरेंगे।